राम राम जी सारे नु स्वागत है आप सबका अपने एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं कपड़े धोने लग गई। मैं सुबह पहले धोया करती लेकिन ये मेरे गल के बना है, शाम ने मैं प्रेस कर दिया करती। 2 दिन का टाइम कौन लगता, सुबह प्रेस प्रूस करूँ फिर परसों उठ ले उन्हें सुहाऊ सु फिर अब नियर का टाइम हो जाए। उसके बाद फिर मैंने सोचू भीतर को झाड़ू झूड़ू काट ली, मतलब की और तैयारी कर ली और तो काम कर दिया। मैं कपड़े धो दू एक बार और कपड़े धो के फिर रोटी रोटी बनाऊंगी, रोटी खाऊंगी। मिष्टान्न पानी लेके आए हैं, परसों मम्मी गिल बैर गया अपनी तनूर स्कूल में जा रही है। तो ये तो सारा 10 मिनट का काम, एक बार कपड़े धो दो फिर रोटी बनाऊंगी। हाँ जी, राम राम सारा ने, मैं थारा देसी कलाकार मनदीप राणा। उठ तो बहुत वक्त लिया था, उठता है मैं ब्लॉग एडिट करने लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा लंबा ब्लॉग था। कल तनु का जन्मदिन मना था, थोड़ा सा लंबा ब्लॉग बन रहा था, काट वाट गया, 27-28 मिनट का तैयार होया है तो मैंने एडिट कर दिया ब्लॉग। और फिलहाल 11 बज रहे, नहाया भी नहीं हूँ मैं, ज्योत बत्ती ब्याज तो मिली मैडम ने कर दी। अरे छोरा देख लो, बाहर जान खातर कितने थोड़ा ये कर रहा है कि मैंने बाहर ले चालो, और बाहर तूड़ी ताड़ी भी करने लग रही है किसी किसी की, और इस खातर गाने भी चला रखे हैं, ये फिर भी आड़ नहीं रुकने लग रहा। परसू बेटा रोटी खावांगे, आ जा। कौन खाता? ठीक है भी, बाय बाय बाय, जा पीपी में तू जा। अरे देखो भाई, मैं रोटियां ही कौन था, रोटी तैयार ले खड़ी है मैडम, कड़ी बनाई है जी आज तो। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? आजा रोटी खाऊंगा कड़ी कर रहे। तो जी एक बार खा लिया कड़ी रोटी अपने, फिर ना आऊंगा आज तो, नान का भी टाइम नहीं लगा क्योंकि वो लोग रात ने एडिट नहीं कर पाया मैं, और रात ने थोड़ी सी नींद आ गई थी, गहरी नींद आ गई थी, एडिट करने का जी कौन करा, इस सवेरे उठ के कराया तो मैडम गर्मा गर्म बनाने लग रही है और मैं अपना खा लूं भाई। छोरा के कर रहा है भाई, उल्टी गाड़ी चला रहा है, उल्टी देख लो। ओए बेवकूफ, नीचे गिर जाओगा, इसके लक्षण देख लो, के बकवास कर रहा है देख। और आगे चप्पल बेटा के कर रहा है तूनू, परसू नू कुकर चलाएगा गाड़ी ने, ए भी ड्राइवर बनेगा जी, ए भी ड्राइवर बनेगा जी, ईव नू चलाओगा कर बस आउ सारा बनेगा, गाड़ी चलनी चाहिए, कुकरे चलो, हां कुकरे चलो, गाड़ी नीचे उतर के चलाओ, पाचन चलाओ चाहे आगन चलाओ, नहीं बेटा पानी डाल दिया मेरा नान का। ठीक है जी, मैं नहा लूं जी एक बार, टोफी खा लेने, बीच बीच खा ले फिर टोफी, ले कर ले स्लीपर। फिलहाल 12 बज गए भाई और मैं नहा लिया और व्लॉग वगैरह एडिट करके अपलोड कर दिया मैंने, 12:15 बजे आ गया अपना अपलोड। बाकी आप ये बताओ, जो व्लॉग का टाइम है 12:15 बजे ठीक है या पहले जिस तरह अपना सुबह 8 बजे आ करता, 9 बजे आ करता, वो टाइम सही है या फिर ये 12:15 बजे वाला टाइम सही है? आप सभी कमेंट करके बताइयो, मतलब ज्यादा आप कौन सा टाइम पर देखना पसंद करोगे, 12:15 बजे या फिर सुबह 9-10 बजे के आसपास, आप जो कहोगे उसे टाइम पर डालना शुरू कर दें। फिलहाल तो 12:15 बज रहे हैं तो अपना व्लॉग आ गया होगा, देखने लग रहे हैं सभी। मैं नहा लिया और ईब मैं जाऊंगा बच्चा का स्कूल में भाई। अरे छोरा चुपे नहीं हो रहा है, यूनू को मेरा टीवी चलाओ, क्या होगा बेटा यू चलावा है, 1 मिनट रुक जा बेटा। मीनू मैडम कपड़े धोए थे सवेरे, वे तार के लिए बाहर तो सूख गए होंगे, 1 मिनट इसने करियो जी, चुप हो जाओ। तो मैं फिलहाल बच्चा का स्कूल में जाऊं क्योंकि उन लोग बुक्स वगैरह दिलवा के आनी, बुक्स में काम करवाने लगे, अवनी फर्स्ट में होगी, तन्नु UKG में होगी और उनका एडमिशन भी कौन करवाया है, तो एडमिशन वगैरह की भी बात करवाएंगे, एडमिशन आज मैं करवा गया हूँ, क्या करूंगा उसका तो मैंने फाइनल खुद ने भी कौन बेरा। फिलहाल एक बार बच्चा का स्कूल में जाऊंगा और हंसी भी जाऊंगा, मैंने थोड़ा सा काम और हो गया हंसी का, आज कल तो जल्दबाजी में आ गए थे हमें, तो थोड़ा सा हंसी वाला काम भी कराऊं और बच्चा का स्कूल में जाया हूँ। कसूती गर्मी हो रही है ना, गाड़ी के मैं बढ़ तो गया लेकिन गर्म इतनी हो रही है, गाँव में खड़ी थी, एसी आसी चलावांगे थोड़ी देर में होगी कूलिंग कालिंग। बाकी ये पढ़ना क्यों ले रहा हूँ बताया तू तो हमने, आजकल गाल गुड़ा में ये तूड़ी ताड़ी वाला सीजन चल रहा है ना, वो कितने मान ले गाड़ी कितने रोकनी पड़ जावे, उतरना पड़ जावे, तूड़ी ताड़ी उड़ती पा जावे यार। और बाकी फ्री टाइम में इसने अपने भाई सीट पर बिछा लेंगे, घनी गर्मी हो जावे तो अपने जो पेंट कैफरी कुछ डालना है ना वो मतलब पसीना में बीत जाओ यार, फिर नीचे उतरा जब बूंदे लगा है ना, जो सच्चाई है वो बताने लग रहा हूँ। ठीक है तो फिलहाल गाड़ी आपा ने कर ली स्टार्ट और मैं एक बार तो पहले तो जाऊंगा मैं आसी आसी वाला काम करके, फिर आऊंगा मैं इनका स्कूल में, बच्चा का स्कूल रास्ता में बड़ा आते टाइम आऊंगा। फिलहाल 1:30 बज गया और आसी पहुंच गया था मैं, आसी के 2-3 छोटे छोटे काम थे वे कर दिए और ये आते आते भाई आसी से निकलते निकलते मैंने सब्जी मंडी में सब्जी वगैरह ले ली
ठीक है, ईद चलाएंगे सीधे बच्चा का स्कूल में। बच्चे तो शायद घर जा ली होंगे, एक जा ली होगी, एक नहीं गई होगी, बेटा तन्नू जा ली होगी घर, अवनी नहीं गई होगी। तो अभी देखते हैं बच्चा स्कूल में जाके ना उन बुक्स वगैरह ले लूँ उनकी और एडमिशन वडमिशन का कुछ करवा दें। ठीक है, तो फिलहाल आसी से निकल लिया मैं, स्कूल में चलेंगे सीधे। गालिए भाई तेल, डीजल डालिए भाई। कितना सर दायत्री दे ले भाई। कॉलेज में पहुंच गया मैं, और कॉलेज में क्यों, बच्चे की बुक्स लेनी है। स्कूल की बिल्डिंग तो देखो वहाँ है, वह तो है स्कूल की बिल्डिंग और है जो दिखने लायक रही है ना। कॉलेज में बुक्स शॉप है, बुक वगैरह ले लें बच्चा की पहले, फिर उड़े चल रहा है स्कूल में। हाँ जी, बुक्स तो मैंने ले ली भाई, अवनी की तो सारी मिली को नहीं, तन्नू की सारी मिल गई, अवनी की एक दो बुक की कमी रहेगी जो आई को नहीं है, बोला बाद में आऊँगी फिर मैं, चलो ठीक है। और इब स्कूल में मैं जानता कौन, क्योंकि छुट्टी का भी टाइम होगा, इब जान का क्या फ़ायदा है, हैं बुक्स ले ली बच्चा ने, घर पर जाके दे दूँ मैं, ठीक है। और बाकी स्कूल यो है तो हमने देखे रखे है भाई जी, तो आग्रह है अवनी और तन्नू। चलू बुक्स ले ली, एडमिशन वगैरह फिर करावांगे, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया, कुआ उनकी डायरेक्टर मैडम से मिल के फिर बातचीत करके फिर आराम तक करवावांगे एडमिशन, है ना। हाँ जी, आ लिया मैं घर, फिलहाल सवा दो हो गए, फरमा दिया अपनी तो बीवी को नहीं आई है। अरे यतन देख लो कितनी चुपचाप और कितनी नज़दीक तक फोन देखने लग रही है, इतनी नज़दीक तो नहीं देखा करते बेटा। ठीक है, अब नहीं आई, तेरी बुक ले आया मैं, जो बुक्स लेके आनी थी वो सारी ले आया तेरी क्लास की में, ठीक है। अवनी की ले आया, और उस मारा सोनू लग रहा है, तेरी मम्मी को दे दिए। अभी मैडम ने पा गया काम भाई, काम धंधा चल रहा है। अब वो तनु बेटा तुम ये मंगवाओ थी स्ट्रॉबेरी बोल रहे हैं, लीची और स्ट्रॉबेरी एक साइज का नाम है, लीची वे दूसरी हो, लीची अलग हो, ये मंगवाओ थी ना बेटा तुम, अब निकाहे पाचा दोनों बेबे खा लियो, ठीक है। ई एक ले ले तू, एक तो ले ले, बाकी अब निकाहे पाचा दोनों बांट के खा लियो आराम से, ठीक है। और मारा पोरस कीड़े खा कर उस खातर यो ले यार, मेरे खातर ले आया मैं तरबूज, बाकी साग सब्जी माता रानी स्ट्रॉबेरी लेंगी, हनुमान जी बना दा ले कहने की बात है, भगत कह लो जो मैंने फोन पाछा पाछा लगाऊं की बोल रही है, कहने की बात है। ठीक है, यो सामान जा चाले और मैंने कुछ खान का दे दे, मैंने भूख लाग रही फिर मैंने कुछ खान का दे दे, ठीक बूंदी तो ले लागे, बूंदी तो थोड़ी खाऊंगा, बूंदी इतनी थोड़ी खाई जा कर, ठीक है। के ले बूंदी मतलब हमारे परिवार में सब हमने लगाई थी, उड़ता आई थी देसी की बूंदी, मारी मूँ की फेवरेट है, थोड़ी बूंदी खाऊंगा फिर कुछ और खाऊंगा, बूंदी तक उनसी भूख मरा है, रोटियां ही भूख तो रोटियां तो मेरा कर कुछ और रोटियां भर का कुछ खाने का सोचता हो, ठीक है। देखो जी अब नहीं आई थी स्कूल में, तेने कपड़े बदल लिए, चूरमा खा लिया, और तनु फोन देखती देखती सो गई, तनु बाण भाई परले कमरे में सो है, हरी भी ने बुक देखी थी, तनु का कोई इंटरेस्ट नहीं था बुक में, वो अपना फोन फान देखे थी और सोगी। अरेबिया ने बोली अपने पापा ने, पापा मेरी बुका पे नाम लिख दे नहीं तो खो जाएंगी, पापा भी पूरा डॉक्टर ऑफ मंदी के लिए खाली हो नहीं तो काम भी नहीं चला दे। ये अवनी की बुक है, ये इस साइड तनु की बुक है, उन पे नाम लिखे हैं, बाकी तनु बहुत इंटेलिजेंट हो रही है, ऊपर तो लिखे जड़ा जी करेगा उड़े लिखेंगे लिखो लिखो जी। लो जी, राइटिंग का पता है आपको, मीनू मैडम की भी नहीं है ऐसी राइटिंग, दिखाओ देखो मैं कैसी, कितनी अच्छी राइटिंग है मेरी, यहाँ पे नाम के लिए जगह दे रखी है इसमें, तो लिखने का ही नहीं इतना शौक है। मैं बोली बमखा लेकिन आप लिख दो बुका पे नाम, पहले मैं लिखने की तैयारी में थी, फिर ये फोन ले रहे थे लिखने को लग गए, मैंने अपने कैन बुक करी थी इतनी बार में, तो राइटिंग देखो राणा साहब ने बिल्कुल कंप्यूटर की तरह नहीं लिख दिया, तो बताओ राइटिंग शुरू से ही बहुत अच्छी रही है मेरी, है ना बेटा, स्कूल का नाम लिखने की जरूरत है, अगला दे रखे लिख देंगे फिर की बात होगी, क्यों टेंशन ले रही, लिख देंगे चौपड़ के पेट से मुँह ने तड़का ही तड़का तड़का रह रहे तड़का रह रहा है, सो जा और सुन दे,
ना करें तो नहीं गंडे से बोले कि डाल मेकअप कर लेते नाची लगती ठीक है सुन दे हमने ठीक है सोवा आई बा में सो की करो सुटे वीडियो बनाई फिर बनाई नींद आ भाई आंखों में नींद है फिर मैं वहीं बैठी हूं सिंगर को बिल्कुल सो जा जागे ने फिलहाल 6:30 हो रहे हैं भाई और सो ले बेटा देख चीजी दूंगा देख चीजी देख चीजी दूंगा जल्दी आ उठ लिया बेटा आजा सोवे थी मेरी बेटी मैं भी सोऊं था पुरुषी भी सोयो था इबुआव नहीं मेरी माँ के गल गई स्कूल में तांदे खाई थी उसने एक आदि इसमें थे खाई थी स्ट्रॉबेरी हैं उड़ा आजा किलकी ना हमारा आजा तन्ने भी दूंगा चीची इबुआ मेरी माँ के गल गई दूध लेने गए हैं वे हैं चल खा लियो बेटा ये तमें खाओगे मैं तो खानदान एक भाई ने देऊँ ठीक है और मीनू मैडम कर रही है सब्जी की तैयारी हेलो क्या की बना हुआ है शिमला मिर्च प्याज प्याज काटा जाए तो नूम कर रही है क्या बेटा ये बात खराब कर लेगा नू तो हाँ जी शाम के 7:45 बज गए और मैंने सब्जी बनाई थी शिमला मिर्च की और प्याज की और बहुत गर्म होने लग रहा है कोई जाओगा चुन रहूंगी फिर रोटी बनाऊंगी और फिर बन जाएगा काम और उसके बाद आज मैं मिस्टर राणा के साथ एक चैलेंज करूंगी मैंने सोचा भी नहीं है मैं सोचूंगी चून बिंदे बिंदे तो आप वेट करिए तो लो जी खा लो खीरा मैंने काट दिया और मिस्टर राणा इतने खीरे खेरे खाने लग गए तो मैं रोटी उठवाया थे बढ़ाया थे और उसके बाद मैंने सोच लिया कि रोटी चढ़ेगी अब क्या सोचा एक बन बता दी खीरा दे दे खीरा खाने दे क्या सोचा था ना आप तो बता रखे हैं जैसा चीज रोटी राटी हमने खा ली थी भाई फिलहाल 9:30 हो गए मेरी माँ जा रही है सत्संग में परिवार में किसी का सत्संग है तो उड़ा जा रही है मीनू मैडम फिलहाल प्रेस करने लाग रही है सवेरे उठते करनी पड़ा कर रहा है इसने आज पहले मेरे फिर कपड़े का शेड्यूल खराब कर दिया प्रेस हाँ ठीक है और ये नुए हंड है बाजदा और ये दोनों चिड़िया कार्टून देखने लाग रही है और खीर खाने लाग रही है सही बैठ के खा अपनी बेटा सही बैठ के खा ले बेटा लो जी मैंने प्रेस कर ली थी बच्चा ने खीर खा ली अवनी तो सोगी और तनु सोन की तैयारी में है अरे यू तनु धक्के खा जाओगा इतने मैं नहीं लौटूंगी तो इसने सुद दखनू बुड़के पर है थोड़ा खड़ा होगा हाँ गोदी आज गोदी भी कहना है इसने ले लिया मैंने गोदी फोन भी ले होगा यू बदमाश हो रहा गणा मैं आप सब ने कहूँ थी मिस्टराना ने चैलेंज देऊंगी यू कौन ही पूरा कर दे रहा है तो दिन में करांगे कोई चैलेंज मिस्टर आनंद देंगे ईव तो ये नू करेगा मेरे गिल मैं बोलू नहीं कि तेरे गिल तू नू करे हट बैठ जा जुबानी टक दाई छोरा एक घंटा में सोगा ईव जग ठाने की सोच रहे आज ले आऊंगी गोदी फिर कौन देगा मुंह पाने लंबा नहीं बना सकते क्योंकि यो ही कौन कुछ भी करने देंदा नहीं तो मैं सोच रही थी कुछ इंटरेस्टिंग बनावांगे लेकिन कौन ही बनता दिखदा हमने वो कल देखांगे पक्का कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर करांगे तो ठीक है जी गुड नाइट सर जय हरियाणा जय हरियाणवी और कीप सपोर्टिंग हरियाणवी अपने प्यार नुए बनाए रखो।